लेकिन जरूर हम आपको देंगे अंत तक, क्योंकि सरकार पर लगातार जो दबाव है वो अभ्यर्थियों द्वारा भी बनाया जा रहा है, और बनाया भी क्यों ना जाए। अभ्यर्थी 3 से 4 साल से यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं कि आखिर कब जो है वो सरकार जीओए 817 को नियुक्ति देगी। तो इसमें यहाँ पर आज मुख्य सचिव से इस मैटर को लेकर भी हमारी बात हुई, तो उनका दो टूक कहना था कि आज जो है वो उन्होंने कमीशन को ये निर्देश दे दिए हैं कि जीओए 817 के 1337 जितने भी अभ्यर्थी हैं उनका रिजल्ट घोषित करें और उनकी नियुक्तियों का जो प्रोसेस है वो पूरा किया जाए। तो अब जो है वो यहाँ पर जो 817 के अभ्यर्थियों के लिए जरूर अच्छी खबर है, क्योंकि लंबे समय से रिजल्ट को लेकर जो है वो बात चल रही थी, मैटर कोर्ट में है, सरकार के पास लीगली नोटिस जो है सुप्रीम कोर्ट के हवाले से वो 556 के एडवोकेट की ओर से मिले, और उसमें कहा गया कि आप जीओए 817 की भर्ती को छेड़ नहीं सकते हैं क्योंकि ये कोर्ट मैटर में चल रहा है। लेकिन बावजूद इसके जो है वो कार्मिक विभाग के अधिकारियों ने भी सरकार से यहाँ पर आग्रह किया और कहा, उनको अवगत करवाया कि जीओए 817 की जो 1867 पोस्टें हैं उसमें से 1337 पोस्टों को अगर हम निकाल लें तो ये पोस्टें जो है वो कोर्ट में नहीं है, और इसमें 530 पोस्टें जो है वो जरूर कोर्ट मैटर में है। तो ऐसे में यहाँ पर कार्मिक विभाग के अधिकारियों ने सरकार को सुझाव दिया कि अगर हम अभी फिलहाल 1337 का रिजल्ट निकाल देते हैं तो कोई भी यहाँ पर लिटिगेशन का मामला नहीं होगा, तो इसलिए हमें इससे प्रोसेस शुरू करना होगा। और यही वजह है कि आज यहाँ पर सीएस ने जो हमें कहा कि कमीशन को अब हमने कह दिया है और कमीशन जो है वो प्रोसेस पूरा करेगा, 1337 जो पोस्टें हैं जीओए की उनका रिजल्ट निकालेगा, और वो जो काउंट है वो यहाँ पर 1 से लेकर जितनी भी यहाँ पर काउंट वाइज 1337 है वहां तक ये मैरिट निकाली जाएगी, और उसके बाद जो है वो जरूर जीओएआईटी के जितने भी बच्चे हैं उनके लिए एक अच्छे संकेत मिल रहा है, क्योंकि चाहे हालांकि हमेशा से एक पक्ष जरूर रहा है 817 के बच्चों का कि उनकी पोस्टें जो है वो बिल्कुल भी कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उन्हें नहीं बताया गया था जब एडवर्टीज हुई थी कि 530 पोस्टें जो है वो उसमें 556 की है, लेकिन बाद में जिस तरह से छात्रों को जब पता चला तो वो बहुत गुस्सा भी सरकार से हुए, लेकिन बावजूद इसके जो है वो सरकार का स्टैंड भी अंत तक ये रहा कि इसमें से पोस्टों को कम नहीं किया जाएगा। लेकिन लिटिगेशन में जब ये मामला चला गया तो उसके बाद ये डिसीजन लिया गया है कि 530 पोस्टों पर बाद में जो भी फैसला होगा चाहे वो फेवर में हो या फिर फेवर में ना भी हो, तो इसके अलावा जो है वो देखा जाएगा कि 530 पोस्टों का क्या करना है, लेकिन शुरुआती दौर में जो है वो 1337 की जो हमें रिजल्ट है वो घोषित करने चाहिए और उसका रिजल्ट और इसकी जो नियुक्ति है वो जरूर यहाँ पर शुरू कर देनी चाहिए। तो यहाँ पर जो है वो जरूर एक प्रोसेस शुरू हुआ है और लगातार हम भी इस पर आपको अपडेट देते रहेंगे, सरकार पर दबाव बनाते रहेंगे ताकि जो ये डायरेक्शंस है वो जमीनी स्तर पर धरातल पर भी काम आगे यहाँ पर इस पर काम हो सके। तो आप निश्चिंत रहिए जो 817 के जितने भी बच्चे हैं, क्योंकि आपकी ये लड़ाई केवल आपकी लड़ाई नहीं है, हजारों ऐसे अभिभावकों की भी लड़ाई है जो आपके अभिभावक हैं, उनको भी आप पर विश्वास है कि कब जो है आपको नौकरियां लगेगी, कब जो है वो आप आर्थिक रूप से उनकी भी मदद करेंगे। तो आपके इस मुद्दे को लेकर लगातार हम यहाँ पर उठा रहे हैं और आगे भी जब तक आपकी नियुक्तियों का प्रोसेस नहीं होगा तो जरूर हम आपका सहयोग करेंगे, तो आप निश्चिंत रहिए। और इसके अलावा जो है दूसरे मैटर्स की बात करें एनटीटी भर्ती को लेकर, तो एनटीटी भर्ती को लेकर भी आज क्योंकि शिक्षा सचिव रजनीश उन्होंने आज फिर से अपना कार्यभार जो है वो दूसरी बार संभाल लिया है, पहले भी उनके पास शिक्षा विभाग ही था और उनके कार्यकाल में ही जो है वो एनटीटी भर्ती के प्रोसेस को यहाँ पर शुरू किया गया था, लेकिन आज जरूर जो है वो एनटीटी के लिए एक राहत ये मिली है, एक राहत के संकेत हम कह सकते हैं, क्योंकि जब तक काम धरातल पर नहीं होगा तब तक इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन हम ये जरूर यहाँ पर कह सकते हैं कि आज एनटीटी भर्ती को लेकर जरूर ये संकेत दिए गए कि अब केंद्र सरकार की डायरेक्शंस का इंतजार और गाइडलाइंस का इंतजार नहीं किया जाएगा, अब जो है वो एनटीटी की जो भर्तियां हैं जेबीटी और एनटीटी के डिप्लोमा जितने भी 2 साल के डिप्लोमा वाले अभ्यर्थी होंगे उनको इस भर्ती में शामिल किया जाएगा, और एनटीटी की जो भर्ती है उसका प्रोसेस जल्द शुरू किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जरूर ये कहना होगा क्योंकि सरकार के लिए जो यहाँ पर जो है वो भर्तियों
तीनों के प्रोसेस को करना बेहद जरूरी है, और इसलिए जरूरी है क्योंकि इस चुनावी साल में अगर सरकार इन भर्तियों को पूरा नहीं करवा पाई तो इसके बुरे नतीजे जो है वो सरकार को जरूर भुगतने होंगे, और इसीलिए जो है वो यहाँ पर ये संकेत आज दिए गए कि एंटिटी भर्ती का भी प्रोसेस जो है वो शुरू किया जाएगा। और जीओए 939 के रिजल्ट की बात करें तो जीओए 939 के रिजल्ट को लेकर भी कमीशन को कहा गया है कि जहां जहां पर ये नकल के मामले पकड़े गए थे, जिन तीन बच्चों ने ये नकल की थी उन तीन बच्चों के पेपर को रद्द किया जाए और उन्हें जो है वो कुछ सालों के लिए बर्खास्त किया जाए, और बाकी जितने भी छात्र हैं उनके रिजल्ट को घोषित करने को कमीशन को कह दिया है। अब कमीशन जो है इस प्रोसेस को शुरू करेगा, और इसके अलावा जो है यहाँ पर तमाम राजनीतिक तौर पर रुकना नहीं चाहती है। इसके मद्देनजर जो है वो पिछले कल भी यही सहमति बनी थी कि अब जो है वो हाईकोर्ट अगर ये परमिशन दे देता है कि अगर जेबीटी का रिजल्ट जो है वो जेबीटी को नियुक्ति जो है वो दे दी जाए और बीएड के जितने भी मैरिट पर आने वाले छात्र हैं उनको होल्ड में रखा जाए, लेकिन अगर इस पर भी बात नहीं बनती है तो हाईकोर्ट से परमिशन ली जाएगी कि वो दोनों को ही इसमें कंसीडर कर देंगे और दोनों ही भर्तियां जो है वो नियुक्तियों का प्रोसेस जो है वो जेबीटी में कर लिया जाएगा। तो इसको लेकर जो है वो आज मुख्य सचिव राम सुबत से हमारी बात हुई इस मैटर को लेकर कि आखिर जो है, क्योंकि जेबीटी के अभ्यर्थी बहुत सारे ऐसे हैं जिनके सवाल जहन में बहुत सारे हैं, तो उन्हीं के सवालों को लेकर आज हम वहां गए थे। हमने पूछा था कि जेबीटी भर्ती को लेकर जो है वो सरकार आखिर करना क्या चाह रही है, क्या दोनों इसमें जेबीटी और बीएड क्या दोनों को नियुक्ति दी जाएगी या फिर केवल जो है वो जेबीटी को नियुक्ति दी जाएगी। तो इस पर जो है वो साफ तौर पर सीएस ने कहा है कि इस पूरे मामले को लेकर उन्होंने एडवोकेट जनरल को आज निर्देश जारी कर दिए हैं और कहा है कि इसमें यहाँ पर हाईकोर्ट से ये परमिशन मांगी जाए कि हमें जेबीटी की नियुक्ति करनी है, चाहे उसमें बीएड को ही कंसीडर क्यों ना करना पड़े, और अगर हाईकोर्ट परमिशन दे देती है तो पहले स्टैंड सरकार का यही है कि इस भर्ती में पहले जेबीटी को जो है वो त्वज्जो दी जाए और जेबीटी को सबसे पहले नियुक्ति दी जाए, लेकिन अगर फिर बात नहीं बनती है तो ऐसे में बीएड को भी कंसीडर करने के लिए सरकार अब मान चुकी है, क्योंकि इस चुनावी साल में जो है अब और भर्तियों को रोका नहीं जा सकता, तो इसलिए अब ये प्रपोजल एडवोकेट जनरल को भेज दिया गया है और निर्देश दे दिए गए हैं कि वो जल्द हाईकोर्ट से परमिशन ले और इस भर्तियों के प्रोसेस को जो है वो नियुक्तियों के प्रोसेस को शुरू करना है। तो यहाँ पर जेबीटी भर्ती का जो मामला है इस पर कुछ ही दिनों में एक बार फिर से अपडेट हो जाएगा कि आगे क्या डिसीजन हाईकोर्ट लेता है, लेकिन सरकार जो है अब वो दोनों ही विकल्प को लेकर चली है, दोनों ही विकल्प जो है वो इसमें यहाँ पर माने जाएंगे सरकार की ओर से, चाहे उसमें बीएड को भी कंसीडर क्यों ना करना पड़े, लेकिन उसमें जरूर जितने भी जेबीटी के टैट पास अभ्यर्थी है वो ये जरूर समझे, जो कमीशन की ओर से रिपोर्ट सरकार को सौंपी गई है उसमें साफ तौर पर ये कहा गया है कि बीएड के जितने भी छात्रों ने जेबीटी भर्ती में हिस्सा लिया था उसमें से केवल 35 और 36 ऐसे अभ्यर्थी है जो मैरिट में आए हैं, लेकिन उसमें से भी यानी कि 35 अभ्यर्थियों में से भी बहुत ही कम ऐसे अभ्यर्थी है जिन्होंने टैट पास किया है, यानी कि वो जेबीटी के लिए क्वालिफाई है। तो यहाँ पर इस मैटर को सुलझाना सरकार के लिए बहुत आसान हो चुका है, क्योंकि सरकार ने तमाम सभी रास्तों को बंद कर दिया है और किसी भी तरह जो है वो सरकार इन भर्तियों को शुरू करना चाहती है। और अब बात आती है यहाँ पर जीओए 817 पर, क्योंकि जीओए 817 की अपडेट देना भी